जी हाँ नमस्कार, मैं परविंदर कौर, द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में। सर आपका नाम? मेरा नाम सुमेश है जी। सर आप डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हैं? मैं सन 2000 से जुड़ा हूँ। सर आप डेरा सच्चा सौदा में जाते हैं, वहाँ जब बाबा जी सत्संग किया करते थे तो उस सत्संग से क्या फ़ायदा हुआ करता था, क्या वो बताते थे ऐसा कि लोग सत्संग सुनने के लिए चले आते थे? गुरुजी मतलब जीने के बारे में काफ़ी कुछ बताते थे, जैसे नशा वगैरह छुड़वाना और कई चीज़ों के बारे में जो हम झूठे भ्रम में लग के कर रहे थे, उन चीज़ों के बारे में हमें सही उन्होंने बताया कि सही कैसे चलना चाहिए, सही धर्मों को कैसे मानना चाहिए। तो उसी हिसाब से मानने से हमें को उस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिला है। सर आज जैसे बाबा जी आप लोगों के बीच में नहीं है, वो सत्संग नहीं करते, तो अब क्या नुकसान हो रहा है यहाँ उनके यहाँ ना होने से? उनके यहाँ ना होने से नुकसान तो ये हो रहा है कि जो नशे पे रोक लग गई थी, नशे पे काफ़ी मतलब कंट्रोल हो गया था, अब नशा फिर से फैलना शुरू हो गया और इसके करके जो मतलब बच्चे, जवान बच्चे हैं, जवान पीढ़ी है, वो फिर गलत रास्ते पे मतलब निकलनी शुरू हो गई है। गुरुजी ने इस चीज़ के लिए बहुत रोक लगा रखी थी और वो बहुत समझाते थे, उनके समझाने से बहुत लोग इस चीज़ का फ़ायदा ले रहे थे। सर आज फिर समाज को उनकी कितनी ज़रूरत है? समाज को उनकी बहुत ज़रूरत है जी, वो समाज को सुधारने में जो मतलब सारे मेन कार्य जो थे, जो सब वो उन्होंने उठा रखे थे, उनके ना होने से मतलब इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो वो मतलब मोटिवेट करते थे, समझाते थे, बच्चे उनके मतलब उनका अनुसरण करके बहुत बुराइयाँ छोड़ रहे थे, अब बच्चे फिर से मतलब नशे की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनका होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। उनके होने से बहुत चीज़ों में मतलब वो सही ज्ञान दे के सही रास्ते पे चलने का बताते थे। धन्यवाद। जैसा आपने देखा, इनका कहना है कि बाबा के यहाँ होने से ना होने से आज बहुत नुकसान यहाँ हो रहा है समाज में।